प्यारे दोस्तों, वडोदरा से महारेश्वरी का ओम सर्वात्मनि नमः। सभी आत्माओं को मेरे प्रणाम। हम आगे बढ़ रहे हैं फना के कला की ओर। सत्संग प्रवाह में बहते बहते मेरी कोशिश रही है, हर दिन जब भी मैं बोलूं तो आपके लिए कुछ मार्गदर्शन हो जाए, आपको कुछ सुकून मिले। लिखा है, साधना करते करते, आराधना करते करते, ध्यान करते करते, आंतरिक रूप से जब साधक पूर्ण रूपेण परिशुद्ध हो जाता है तो क्या होता है? फिर होता क्या है? लबों से लब्स जो निकले तो सच्चे मोती बन जाए। लबों से लब्स जो निकले तो सच्चे मोती बन जाए। अगर खामोश हो जा तो, अगर खामोश हो जा तो सुकूनी दरिया साबित हो। अगर खामोश हो जा तो सुकूनी दरिया साबित हो। दोस्तों, लबों से लब्ज जो निकले तो सच्चे मोती बन जाए। आंतरिक परिशुद्धता का मापदंड क्या है? कैसे पता चलेगा कि बोलने वाले की आंतरिक परिशुद्धि हो गई है? लबों से लब्स जब निकले, लबों से लब्स जब निकले तो सच्चे मोती साबित हो। आंतरिक रूप से जब साधक परिपक्व और परिशुद्ध हो जाता है तो फिर वाणी विलास नहीं रहता, बकबक नहीं रहती, अनर्गल बकवास नहीं रहता, फालतू की बातों में उसे कोई रस नहीं रहता, न तो फालतू की बातें बोलने में न तो सुनने में। आंतरिक रूप से जो साधक परिशुद्ध हो गया है वह अपना रास्ता काट लेता है, दूर हो जाता है इस माहौल से। इतना सजग रहता है, इतना सावधान होता है कि अगर मैं बोलू नहीं या तो चुप रहूं, मौन में चला जाऊं, अथवा कोई मेरे साथ बात करे तो अर्थपूर्ण होनी चाहिए, निरर्थक शब्दों की कोई जगह नहीं रहती है, कोई जगह नहीं रहती। टू द पॉइंट बात होती है और इधर उधर जाने की आप कोशिश करेंगे तो फिर वो बंदा साधक आपसे दूर हो जाएगा, हट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और किनारा कर लेगा आपसे। तो लबों से लब्स जो निकले तो सच्चे मोती बन जाए। ऐसा साधक जब बोलता है तो वे शब्द नहीं, सच्चे मोती जितने मूल्य होते उससे भी ज्यादा मैं तो कहूं,
तो लबों से लफ्ज जो निकले तो सच्चे मोती बन जाए। सच्चे मोती में जैसी चमक होती है, ऐसी चमक एक पहुंचे हुए साधक को सुनकर आपके हृदय में होगी, अनुभव होता जाएगा आपको, जीवन का अर्थ मिलता जाएगा। लेकिन साधक पक्का होना चाहिए, तब उसकी वाणी में से आपको कभी गीता मिल जाती है। कभी धम्मपद मिल जाता है, कभी कुरान मिल जाता है, तो कभी बाइबल। तो लबों से लफ्ज जब निकले तो सच्चे मोती बन जाए, अगर खामोश हो जा तो। और ऐसी साधना तेरी होनी चाहिए कि अगर खामोश हो जा तो, और मोती इधर उधर तो नहीं बिखेरे जाते हैं, भुंडों के सामने तो मोती का चारा नहीं डाला जाता है, सुवर तो सुवर ही रहेगा, मोती का चारा डालोगे तो भी उसे समझ ही नहीं है कि मोती है, वो तो गंदगी में ही जाएगा। तो ऐसे लोगों के सामने तो बोलने का अर्थ नहीं। लेकिन कोई जिज्ञासु आ गया है, कोई मुमुक्षु आ गया है, तो ब्रह्म जिज्ञासु या मुमुक्षु के सामने जब ऐसा पहुंचा हुआ पुरुष बोलना आरंभ करता है, तब लगता है कि ये तो सच्चे मोती है, एक भी शब्द खोने जैसा नहीं है, सब संजो लो, सब संभाल लो, सब याद कर लो। तब तो हमारे यहाँ श्रुति और स्मृति दो शब्द है, श्रुति का अर्थ है वेद और स्मृति का अर्थ है स्मृति में संजो कर रख लिया एक प्रबुद्ध पुरुष की वाणी को, दूसरे ने याद करके रख लिया, दूसरे की तीसरे ने, तीसरे की चौथे। कंप्यूटर और कैलकुलेटर से जितना हमारा हित हुआ है, इतना अहित भी हुआ है। स्थिति ये है कि जो कुछ डेटा है सब डालो मोबाइल में, जो कुछ भी है गिनती करनी है, कैलकुलेटर से हो जाएगी। इससे आगे काम करना है थोड़े बृहद फलक पर, तो कंप्यूटर में डालो, डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। धीरे धीरे स्थिति ये हो गई कि आदमी अपनी स्मृति शक्ति को, अपनी याद शक्ति को लगभग भूलने लगा है। पहले अनपढ़ लोग भी काफी चीजें अच्छी तरह से याद कर लेते थे, और आज पढ़े लिखे लोगों को भी कैलकुलेटर या कंप्यूटर के बिना चलता नहीं है, क्योंकि दिमाग का जो काम था, अच्छी चीजें, जरूरी चीजें जो याद रखने का काम था, वो सब मशीन को दे दिया, खुद हो गए फ्री। और इससे आगे बात ये बढ़ी कि फालतू चीजें अंदर डालने लगा, इससे डिप्रेशन के केस बढ़ रहे हैं आजकल, इस वजह से झगड़े बढ़ रहे हैं, इस वजह से पारिवारिक माहौल खराब हो रहा है। जो याद रखने जैसा था वह मशीन को दे दिया, और याद रखने जैसी चीजें नहीं वो दिन भर देखता है, दिमाग में रह जाती है। सास भी कभी बहुत ही ऐसी बातें, मैंने तो देखी नहीं वो सीरियल कैसी क्या है, लेकिन लोग कहते हैं कि इससे अंदर अंदर घर में पारिवारिक झगड़ा कैसे हो, इसकी क्ल्यू मिलती है, की मिलती है उसकी, कौन किस तरह से किसको नीचा दिखाए।
अरे दोस्त, ऊंचा क्या नीचा दिखाना क्या, 4 दिन की जिंदगी है, क्या साथ लेकर जाएंगे। किसी शायर ने कहा है, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। उम्र दराज मतलब लंबी आयु, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। 2 आरजू में कट गए दो इंतजार में, 2 आरजू में कट गए दो इंतजार में। 4 दिन की जिंदगानी में 2 आरजू में कट गए, तमन्नाओं में, इच्छाओं में, आशाओं में, तृष्णाओं में 2 दिन चले गए, और 2 दिन इंतजार करते रहे कि अब अच्छे दिन आएंगे, अब अच्छे दिन आएंगे, अब अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो नहीं आया, आप चले गए शमशान में, आप नहीं, आपका शरीर। दोस्तों, श्रुति और स्मृति इस पर बात चल रही थी। श्रुति का अर्थ है वेद, और स्मृति का अर्थ है कि प्रबुद्धों की वाणी एक के बाद एक परंपरा में स्मृति में संजोए रखी, और ऐसे ज्ञानी पुरुष के वचन बच गए जो आज तक हमारी मदद करते हैं। जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, ऐसी तो कई स्मृतियां हैं। छोड़ो, बात इतनी ही है कि या तो बोल मत, चुप हो जा। 2 बंदे चुप रहते हैं, 1 समझदार बंदा चुप रहता है। जो जाग गया है जल्दी पार्टिसिपेट नहीं करेगा आपकी फालतू बातों में, चुप लगा देता है। और दूसरा कि जिसके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है वह चुप रहता है। दोस्तों, आपके पास अगर कुछ बोलने के लिए नहीं है तो कुछ भी मत बोल देना। कुछ भी बोल देंगे आप, ग्रुप का रस भंग हो जाएगा, और केवल रस भंग नहीं, आपकी मूर्खता भी सिद्ध होगी। अपनी मूर्खता छुपाने के लिए भी कम से कम लोग चुप रहना सीख लेना तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मूर्ख लोग बोलने में ज्यादा उत्सुक होते हैं। इसमें भी चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, मेरी आवाज सुनो। चुप रहना तो कुछ लोगों ने सीखा ही नहीं। ये फना होने की कला आपको सिखाती है कि लबों से लफ्ज सब निकले, लबों से लफ्ज जू निकले तो सच्चे मोती बन जाए। तेरा चिंतन इतना गहरा हो, तेरी साधना इतनी गहरी हो, तेरी समझ इतनी गहरी हो कि तेरे शब्द जो निकले वो यहां से ना उतरे, दिमाग से नहीं, अंतर से निकले, सच्चे मोती जैसे हो। लबों से लब्ज जब निकले तो सच्चे मोती बन जाए, सुनने वाले को लगे वाह, संभालने जैसी बातें, गांठ बांध लेने जैसी बात है, समझने जैसी बात है, सीखने जैसी बात है, जीने जैसा है। इसकी वाणी में से तो जीवन का अर्थ मिल रहा है जो आज तक पता ही नहीं था। बोलिए तो ऐसे बोलिए, अथवा चुप रहिए, और पहुंचा हुआ साधक जो खामोश हो जाता है अगर खामोश
हो जा तो अगर खामोश हो जा तो सुकूने दरिया साबित सुकूने दरिया साबित हो। और जो खामोश हो जा तो लगे कि सुकून का दरिया है ये, तो शांति का सागर है, ऐसा अगले को अनुभव हो। बिल्कुल निम्न स्तर के लोग जो है अध्यात्म में, उसकी समझ में ये बात नहीं उतरेगी। बकबक करना ही जिसका धर्म है, कुछ भी बस थोपते रहो, बोलते रहो, चिल्ला चिल्ला कर बोलो, हमारी बात भी हम रखते हैं, ऐसे लोगों की समझ के बाहर की बात है। मैंने एक बात सुनी, कथा याद आती है, बुद्ध का एक शिष्य बोधिसत्व, उसने एक बार सोचा कि लोग आते तो हैं, लोग बोलते तो हैं, मेरे साथ बातें भी करते हैं, लेकिन खोखलापन है सब। और जो खोखला ये है, उसके सामने में सत्संग करके क्या करूं, कोई अर्थ नहीं, ये दुनिया बात करने जैसी नहीं है। फिर भी करनी पड़ती है, कुछ लोगों के साथ ही अलग बात है। लेकिन लोगों की मानसिकता कैसी है, कभी कभी लोग ऐसी मूर्खता कर देते हैं कि जौहरी के पास जाकर बैंगन का भाव पूछना, जिसके पास हीरे हैं, जवाहरात है, मोती है, माणिक है, सुवर्ण है, चांदी है, उसके पास जाकर बैंगन का भाव पूछने जैसी बात है। और लोग ऐसा करते हैं, प्रबुद्ध पुरुष के पास साधारण प्रश्न लेकर पहुंच जाते, क्या जवाब दे, छोड़ो। इसलिए कुछ लोग तय कर लेते हैं कि बोलना ही नहीं है, मौन में चले जाना। कई लोग मौन में चले जाते हैं। मैंने भी ये साधना काफी की है, बहुत अच्छा लगता है। मौन स्वयं की अग्नि परीक्षा है, इतना आसान नहीं है मौन। मौन का अर्थ ये नहीं है कि वाणी से चुप हो जाना, मौन का अर्थ है सर्व इंद्रियों का मौन और साथ साथ मन का भी मौन। मन को 11वीं इंद्रिय कहा है। तब पूर्ण मौन बनता है, आपके हाथ पैर भी स्थिर रहे, आपका मन भी स्थिर रहे, आपकी आंखें भी स्थिर और शांत रहे, कानों में शब्द न जाए, ऐसा गहन मौन। और दोस्तों, गहन मौन ध्यान बन जाता है। सुना है बुद्ध के बारे में, 10-12 साल तक मौन में चले गए थे, और फिर जब करुणावश लोगों की मदद करने का भाव
लोगों की आध्यात्मिक सहायता करने का भाव जब बुद्ध के भीतर जागा, तब बुद्ध ने सोचा अब मेरा बोलना जरूरी है, कम से कम मेरे साधकों के लिए तो जरूरी है ही। दोस्तों सोचिए, 12 साल चुप रहने के बाद, 12 साल तक जो पूरी तरह से अंतर्मुखी हो गया है, ऐसे महापुरुष ने जब मौन तोड़ा होगा और वाणी निकली होगी, वह कितनी सुकून देने वाली होगी। तो ऐसे महापुरुषों का मौन भी सुकून देता है और वाचा भी सुकून देती है। हम बात कर रहे थे बोधि धर्म की, चुप हो गया, बोलने जैसी दुनिया है ही नहीं, बात नहीं करनी है दुनिया से। आज की बात करूं, किसी का फोन आया, मेरे शिष्य ने फोन उठाया, सामने वाली कोई माता थी, उसने कुछ सवाल जवाब किए, शिष्य ने उचित जवाब दिए, स्वामी शैलेश्वर ने बोले मिलते कब है माता जी, तो कहा शैलेश्वर ने कि महीने में एक दिन शाम को 1 घंटा हर 27 तारीख को 4 से 5 बजे के बीच में मिलते हैं। बोले इतने बड़े हो गए, शैलेश्वर विवाद करना उससे नहीं, बातों में विवाद में उतरना नहीं चाहते थे। तो शैलेश्वर ने कहा हाँ बड़े तो हो गए, 60 साल हो गई, अब संभालना तो पड़ेगा ना, ज़्यादा ऊर्जा नहीं होती और जितनी होती उतनी सत्संग में लगा देते। बात खत्म हो गई। तात्पर्य ये है कि आप बोलो तो भी लोग सहन नहीं कर सकते हैं, आप मौन रहो तो भी लोगों को तकलीफ है। बाकी हकीकत में आपके बोलने से भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए साधारण लोगों को, और चुप रहने से भी मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो समझदारी की बात हो गई, और समझदार हम नहीं होंगे, कसम खा के रखिए, पीढ़ियों से, पीढ़ी दर पीढ़ियों से ये अज्ञानता को हम पोष रहे हैं, ये अज्ञानता को हम पाल रहे हैं, मूढ़ता को हम संभाल रहे हैं, और आप एक झटके में मूढ़ता काट दो हम कैसे चला लेंगे ना, हम तो मूढ़ता को ही पालेंगे, तो पाल, कौन ना बोल रहा है, तेरी मर्जी। हम चुप तो हो सकते हैं, सुना है मैंने कि बोधि धर्म इतनी सूक्ष्मता से देख चुका, दुनिया को देख चुका था कि उसे लगा कि लोगों की पात्रता नहीं है मैं उसके सामने बोलूं, दीवार की ओर मुंह करके बैठ गया, किसी को देखना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी, दीवार की ओर। कुछ दिनों बाद एक बंदा आया, प्रणाम करते हुए बोले विक्षेप कर रहा हूं आपकी साधना में, क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन मैं आपकी वाणी सुनने के लिए आया हूं, आप क्यों मुंह क्यों फेर लिया है दीवार की ओर, हमारे सामने तो देखिए। कोई जवाब नहीं मिला, फिर से विनंती की, 2-3 बार विनती की, तब बोधिसत्व बोले
कि मुझे प्रमाण चाहिए कि तू सच्चा श्रोता है। प्रमाण क्या है तेरे पास? हकीकत में अगर हमारे जितने भी आध्यात्मिक पुरुष हैं, वे लोग थोड़े ऐसे हो जाए ना, तो दुनिया बदल जाए। तू सच्चा श्रोता है, इसका प्रमाण क्या है? जब प्रमाण मांगा तो बंदा बोला कि मैं प्रमाण दे सकता हूं। तू क्या प्रमाण दे सकता है? बोले, आप जो मांगे वो प्रमाण मैं दे सकता हूं। मैं एक प्रमाणिक श्रोता हूं और मैं आपके वचन को सुनने के लिए उत्सुक हूं। बोले, क्या प्रमाण दे सकता है? तेरी जान दे सकता है? बिल्कुल दे सकता हूं। तलवार उठाकर आने वाले भक्त ने एक बांह अपनी काट दी, एक हाथ काट कर फेंका दीवार पर, खून देखा, तब लगा कि धन्य है इस श्रोता को, जान तक दे सकता है। इसका मतलब यह है कि अध्यात्म से प्यारा उसे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और ऐसे श्रोता के लिए अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर दुनिया में हम बीज छोड़कर जो जाना चाहते हैं अध्यात्म के, ये नहीं हो पाएगा। इस बंदे में ताकत है कि अध्यात्म के बीजों को संभालेगा और आगे उन बीजों को बांटेगा। बोधि धर्म मुड़कर देखते हैं, हाथ पकड़ लेते बंदे के। इलाज जो होना चाहिए था वो पहले इलाज करते हैं और फिर उस एक व्यक्ति के लिए बोलना आरंभ करते हैं। दोस्तों, मुझे ये कहना है कि सामने कितने लोग हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमेशा कहते हैं कैसे लोग हैं ये महत्वपूर्ण है। आजकल एक परिस्थिति देखी जाती है कथा के पंडालों में, सामने वाले भाग में, वक्ता के बिल्कुल सामने वाले भाग में सोफा सेट रखे हुए होते हैं, कुर्सियां रखी हुई होती है, वीआईपीओं के लिए होती है। और इसका मतलब ये हुआ कि रिजर्व सीट है। ये क्या कोई सिनेमा हॉल है? क्या कोई नौटंकी चल रही है? यही स्थिति हो गई आज धर्म की। 1,00,000 रुपया डोनेशन दिया है, उसकी कुर्सी खाली रहेगी। उसे आना है तो आए, नहीं आना है तो नहीं आए, अथवा कभी भी आए। कितना भी रस आ रहा हो कथा में, भले रस भंग हो जाए, लेकिन हम तो कभी भी आएंगे और हमारी कुर्सी पर, हमारी सीट पर बैठेंगे। नहीं चाहिए ऐसा डोनेशन, नहीं चाहिए ऐसी कथा, नहीं चाहिए ऐसे वीआईपी श्रोता। हमारी तो परंपरा है एक वक्ता एक श्रोता। कहीं याज्ञवल्क्य बोलता है और भरद्वाज सुनता है, कहीं काकभूषण बोलता है और गरुड़ सुनता है, कहीं शिव बोलते हैं और सती सुनती है। एक वक्ता एक श्रोता की तो पुरानी परंपरा है। मैं बोलती हूं तो मेरा शिष्य सुनता है, शैलेश्वर सुनता है, समग्रता से सुनता है। और बीज में जो डालती हूं वह बीज उग निकल रहे हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। तब बहुत आनंद होता है हृदय को कि मेरा गुरु धर्म पूरा हो रहा है। छोड़ो, विषय की ओर आइए।
लबों से लब्स जो निकले तो सच्चे मोती बन जाए। 12 वर्ष के मौन के बाद जो बुद्ध बोला, बरसों के मौन के बाद जब महावीर बोले, तब महावीर वाणी उतरे, उसे आप सुनो तो सच्चे मोती जैसा लगे। धम्म पद उतरा बुद्ध के द्वारा, धर्म उसका नाम है धम्म पद, धम्म का अर्थ है धर्म, धर्म के पद, धर्म का एक अर्थ होता है सत्य, सत्य की कविता। वाह क्या सुंदर नाम है धम्म पद, अर्थ मैं करती हूं सत्य का काव्य। बड़ी प्यारी बात है। तो आखिरी बार कह रही हूं कि साधना करते करते ऐसे बन जाओ कि लबों से लब्ज जब निकले तो सच्चे मोती बन जाए। आपके ओठों से जब, आपके मुंह से जब शब्द निकले तो सच्चे मोती जैसे हो। सच्चे मोती आपके पास होंगे तो कोई मूल्य करने वाला भी होगा ही होगा, और मोती वाले को तो मोती बेचने भी होते, हमको कहाँ वाणी बेचनी है। यहां तो आध्यात्मिक मूल्य की बात है। अगर खामोश हो जा तो सुकून दरिया साबित हो, और अगर तू खामोश हो जा तो लगना चाहिए शांति का दरिया है। दो प्रकार की खामोशी होती है, एक खामोशी नाराजगी की होती है, नाराजगी से होती है, कोई रूठ जाता है, कोई नाराज हो जाता है, कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, मनमानी नहीं होती है, तब नहीं बोलना है तेरे साथ। और एक बंदे ने मन से तय कर लिया तेरे साथ नहीं बोलना है, अरे भाई तो उसकी मर्जी, लेकिन आप दुखी होने लगे, ये आपकी मूढ़ता, नहीं बोलना है तो वो स्वतंत्र है नहीं बोलने के लिए, छोड़ दो आप, क्यों पीछे पड़े हो उसके। लेकिन दूसरा बंदा उसके पीछे पड़ते कि क्यों नहीं बोल रहा है मेरे साथ, तू बोल, और बार बार रूठना, मनाना, बोलना, नहीं बोलना, ऐसे ही जिंदगी निकल जाती है, कभी खुशी कभी गम। तो दो प्रकार की खामोशी, एक तो मैंने कहा कि नाराजगी की वजह से, स्वार्थ की वजह से, अहंकार की वजह से, अहंकार को ठेस लग गई तो उसने मुझे ऐसा कह दिया, मैं नहीं बोलूंगा। कई कारण होते हैं, ये दुनियावी कारण है। दूसरी खामोशी है जिसे मैं आध्यात्मिक मौन कहती हूं, आंतरिक मौन कहती हूं। ऐसा मौन अगर आपने सिद्ध कर लिया तो आपके सानिध्य में आने वाले को लगेगा कि सुकून का दरिया है ये बंदा, तो शांति का महासागर है। चुपचाप उसके चरणों में बैठो 2-5 मिनट और बिना विक्षेप किए निकल जाओ। आपको ये सीखना होगा, अगर आपको ऐसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करना है तो सीखना होगा। बाकी जहां हो वहां ठीक हो,